व्यवस्था विवरण अध्याय पांच। व्यवस्था विवरण अध्याय पांच। मूसा ने सारे इसराइलियों को बुलवाकर कहा, हे इसराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने की चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हमी से बांधा जो यहां आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है वह मैं हूं। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। छह दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरा बैल न तेरा गधा न तेरा कोई पशु न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू अपना दास था, तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी के पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारे सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उन्हें उसने पत्थर की दो पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते सुना है। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाए, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है
जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी, तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें मुझसे कही है मैंने सुनी है, इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहा और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिससे तुम्हें उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो।